क्रिकेट न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता नाइट राइडर्स नए कप्तान दिनेश कार्तिक की अगुवाई में नए युग की शुरुआत करेगी, जब आईपीएल 11 के अपने पहले मैच में वे विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उतरेगी। केकेआर को दो बार खिताब जिता चुके गौतम गंभीर अब दिल्ली रेड डेविल्स की कमान संभाल रहे हैं। दोनों टीमों के बीच हार जीत का रिकॉर्ड 12-9 से केकेआर के पक्ष में है। दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अंतिम गेंद पर छक्का जरूर मारा, लेकिन तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज के सामने आईपीएल 11 में कड़ी चुनौती होगी। केकेआर ने 2012 और 2014 में दो बार खिताब जीता है। टीम को तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के चोट के कारण इस सीजन से बाहर होने से भी झटका लगा है। हालांकि उनके पास मिचेल जॉनसन और विनय कुमार हैं।